गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, इसके बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, इसमें पहला कंसेप्ट है, व्हाट इज़ सेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ डिफाइंड एज एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क। दिस इज सपोज दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। सो एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अब ये एरिया जो है ये स्मॉलर एरिया है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। जो स्मॉलर होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और इस तरह से ये जो एरिया है ये भी दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया है, सो दिस इज़ आल्सो ए सेक्टर, सो दिस इज़ कॉल्ड मेजर सेक्टर। समझ आ रहा है आपको क्या होता है सेक्टर। सेक्टर इज़ द एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। सर्कल के दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर। याद रहेगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सेगमेंट। सो अगर हमारे पास कोई सर्कल है और सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट हैं ए कॉमा बी, और उसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस लाइन सेगमेंट इज़ नोन एज कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है आपको, एक अबव द कॉर्ड है एक बिलो द कॉर्ड है। दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं, सेगमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट, वी कैन से दैट कॉर्ड डिवाइड सर्कल इन टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ कॉल्ड सेगमेंट। अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये स्मॉलर पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे बच्चे, माइनर सेगमेंट। और ये जो है ये बिगर पार्ट है, इसके इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। इज़ इट क्लियर और नॉट, सेगमेंट और सेक्टर में आपको डिफरेंस पता चल रहा है। कॉर्ड से क्या बनता है, सेगमेंट बनता है, सेक्टर बनता है। कॉर्ड से बनता है सेगमेंट, ठीक है। कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों पार्ट सेगमेंट कहलाते हैं। जो छोटा वाला होगा उसे माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला पार्ट होगा डेट इज़ कॉल्ड मेजर सेगमेंट। एंड सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज़ द एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको, है ना, क्योंकि सबसे पहला काम है सेक्टर और सेगमेंट को पहचानना। सेक्टर होता क्या है, सेगमेंट होता क्या है, तभी हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो इसमें पहला फॉर्मूला है हमारे पास, लेंथ ऑफ एन आर्क विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ए बी एक आर्क है, इसकी लेंथ एल है, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। जब आपको आर्क लेंथ फाइंड करना होगा देन वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा की जगह कितना जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह हमने 22/7 ले लिया, और रेडियस 7 की बने 7 लिख दिया हमने, फिर ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 30 बन जा 30, 30 12 जा 360 हो गया, फिर ये कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22, तो फाइनली ये क्या बच गया, 11/3 बच गया ये, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3.66 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है ये, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, इट इज़ इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। याद रहेगा आप लोगों को, इस फॉर्मूले से आप आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला,
एरिया ऑफ सेक्टर विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। अब ये दिख रहा है आपको सेक्टर यहाँ बनाया हुआ है मैंने, ये माइनर सेक्टर दिख रहा है, ये नीचे वाला माइनर सेक्टर है, इसके ऊपर वाला मेजर सेक्टर है। तो ये माइनर सेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, थीटा, और इसका रेडियस कितना है आर। तो इसका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर जब भी आपको फाइंड करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 120 है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, देन एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, इसका हमें फाइंड करना है। थीटा की जगह 120 रख दो, 120 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 ले लिया हमने, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 7 स्क्वायर है, तो मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 120 × 360 कितना आ जाएगा, ये 22 × 7 154/3, इसको सॉल्व करेंगे 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, मेन चीज़ ये है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है देन कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट ए टफ टास्क। तो आपको फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूला ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फॉर्मूला यहाँ पे और आगे दिख रहा है आपको, हाफ एल आर, सो एल इज़ द आर्क लेंथ, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आर्क लेंथ गिवन होगा और रेडियस गिवन होगा, थीटा गिवन नहीं होगा, उस केस में हमें फाइंड करना हो। मान लीजिए हमने दे दिया एल की वैल्यू, हमने दे दिया 14, रेडियस की वैल्यू हमने दे दिया 7 फॉर एग्ज़ाम्पल, और हमें एरिया फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा हाफ एल आर, हाफ इंटू कितना आ जाएगा, ये हाफ इंटू 14 × 7, 2 × 7 = 14, 7 × 7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर। सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हाफ एल आर। और ये हमने कैलकुलेट कैसे किया है, इसका भी सिंपल रीज़न है, क्योंकि हमारे पास जो L की वैल्यू है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ L, L इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, एंड एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आए हैं, इतना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। अब अगर इसमें L की वैल्यू रख दें, तो L की वैल्यू कैसे रखेंगे, इसमें R की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, और R की वैल्यू फिर इसमें रख दो, ओके, या फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, थीटा अपॉन 360, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, 7 एरिया अपॉन 360 इंटू 2πr इंटू आर अपॉन 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, और आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो जाएगा पूरा L, ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये L इंटू आर अपॉन 2, है ना, एक आर बच गया यहाँ पे, एक 2 बच गया, सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ एल आर, है ना, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में आप लोगों को। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एल इंटू आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। सो आर्क लेंथ और रेडियस अगर गिवन होगा तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और रेडियस और थीटा गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर्क लेंथ रेडियस गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, आर्क लेंथ फाइंड करनी होगी, थीटा रेडियस गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सभी को समझ आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, इस फॉर्मूले को याद रखना है बस। इसके बाद नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करना है ना। ये जैसे मान लीजिए ये सेक्टर है, तो इसकी लेंथ आर है, इस साइड की लेंथ आर है, रेडियस है, और इसकी लेंथ एल है, ये आर्क लेंथ है। सो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री,
आर प्लस आर प्लस एल, आर प्लस आर कितना हो जाएगा टू आर प्लस एल। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पैरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो कभी भी अगर पैरीमीटर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू आर प्लस एल। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, है ना, सेगमेंट क्या होता है। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आपको, ए भी एक कॉर्ड है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये सेगमेंट है, ये छोटा वाला पार्ट है, तो दिस इज़ कॉल्ड माइनर सेगमेंट। सो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज़, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा पूरा एरिया निकाल लो, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी, है ना, समझ आ रहा है आपको। ये हमारे पास सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और इसमें से फिर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। ये हमारे पास सेक्टर है, दिस इज सेक्टर ओ ए बी, इसका एरिया निकाल लूँ और फिर ये नीचे वाला जो पोर्शन है दिस इज़ द सेगमेंट, हमें ये एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये फिर नीचे वाला पोर्शन का एरिया रह जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है, याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, याद रखना है आपने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सो अब हमें एक नया फॉर्मूला पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का, कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे जब थीटा और रेडियस हमें पता हो। ठीक है, हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लगा सकते हैं जब बेस और हाइट गिवन होगा और तीनों साइड की लेंथ गिवन है तो हम हीरोंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तीनों वर्टेक्स गिवन है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो चैप्टर 7 में हमने किया है। एक फॉर्मूला अभी आपको और सीखना है, जब रेडियस और थीटा एंगल और रेडियस की वैल्यू गिवन होगी तो हम ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू और हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं जब रेडियस और थीटा की वैल्यू गिवन होती है, इन दोनों फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थीटा की वैल्यू ऐसी दी होती है जो जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। मान लीजिए थीटा की वैल्यू 120 है, 120 डिग्री है, तो अगर अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कितना हो जाएगा फिर ये साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू हमने पढ़ी नहीं है, है ना, इसलिए इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो थीटा की जगह जैसे मैं 120 रखूँगा तो थीटा अपॉन टू 60 हो जाएगा, तो ये वाला साइन 60 हो जाएगा और ये वाला कॉस 60 हो जाएगा, और साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रहे हैं, इन दी सेम वे मान लीजिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो तो साइन थीटा बाई टू कितना हो जाएगा साइन 15 और ये हो जाएगा कॉस 15, तो ना तो हमें साइन 15 की वैल्यू पता है और ना ही हमें कॉस 15 की वैल्यू पता है, तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हमें पता है। इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि उसमें थीटा की क्या वैल्यू दी हुई है, जो भी थीटा की वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं,
दोनों को ही याद रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल बन रहा है और रेडियस और थीटा की वैल्यू हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू r² sin θ / 2 × cos θ / 2 और ½ r² sin θ। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास पहले से ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब उन्होंने कहा है कि मेजर सेगमेंट का फाइंड करो, तो मेजर सेगमेंट का क्या होगा कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दोगे मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। इस तरह से मेजर सेक्टर का पूछेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, समझ आ रहे हैं, दैट विल गिव द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको, हैं। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट है, इसमें ये बताया गया है, ये प्रूफ किया गया है यहाँ पे कि y एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू r² sin θ / 2 cos θ / 2 और ½ r² sin θ। ये क्यों होता है ये मैंने प्रूफ करके बताया है। देखिए इसमें एक ट्राइंगल हमने ऊपर अभी डायग्राम में लिया था, सेम ट्राइंगल है ये, एंगल O की वैल्यू इसमें थीटा है, तो यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OC, ठीक है। सो परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे देन इट विल बाइसेक्ट द एंगल आल्सो, है ना, ये RSS से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो फिर ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से, तो ये पूरा एंगल थीटा है, है ना, ये जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये पूरा एंगल थीटा है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा θ/2 और ये एंगल कितना हो जाएगा θ/2, समझ आ रहा है आप लोगों को। और ये इसकी वैल्यू रेडियस r के बराबर है, ये भी रेडियस है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये C है एंड ये B है। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं दिस वन, इसमें हमारे पास ये एंगल गिवन है θ/2 और तो थीटा के सामने कौन सा हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये 90 है, तो 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये कितना होता है sin θ, यानी AC/R कितना हो जाएगा sin θ/2, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है AC/R कितना है sin θ/2। इसी तरह से अगर हम ये फाइंड करें base/hypotenuse OB/R, OB/R करेंगे सॉरी OC ये पर इसमें बेस कितना है OC, तो OC/R base/hypotenuse ये कितना हो जाएगा cos θ/2, तो इसको सॉल्व करके OC की वैल्यू आ जाएगी, इतना समझ आ रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसमें अच्छी तरह से क्लियर होगा आपको। इन ट्राइंगल AOC क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है हमारा, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AC/R, AC/R परपेंडिकुलर की लेंथ AC है, हाइपोटेन्यूस R है, दिस इज इक्वल टू sin θ/2, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट वी गेट AC इज इक्वल टू r sin θ/2, ठीक है। इन द सेम वे base/hypotenuse, बेस कितना है इसमें OC, हाइपोटेन्यूस R है, base/hypotenuse दिस इज इक्वल टू cos θ/2, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट OC इज इक्वल टू r cos θ/2, ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को। अब इसमें हम देखेंगे कि AC की लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ CB की है, तो AC की लेंथ r sin θ/2 है, यानी कि AB की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 times of AC, कितना हो जाएगा 2 r sin θ/2, ठीक है। देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ½ base × height, ये फॉर्मूला होता है, AB को हमने बेस ले लिया है, तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी OC,
ए बी की लेंथ कितनी है, टू आर साइन थीटा बाई टू, एंड ओ सी की लेंथ है आर कॉस थीटा बाई टू। ये इसमें वैल्यू रख देंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से एक आर है और यहाँ पर एक आर है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फाइंड करना चाहें हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल जो हमारे पास ओ ए बी है इसमें परपेंडिकुलर थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये थीटा है वैल्यू, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ए सी, और इसकी वैल्यू आर है। तो अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन आर, ए सी अपॉन आर कितना हो जाएगा बच्चे, ए सी अपॉन आर कितना होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होता है, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, ए सी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इस तरह से अगर हम बेस ले लें ओ सी अपॉन आर, ओके बेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, बिकॉज हमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर की लेंथ है और ये लेंथ हमें पहले से पता है, इसकी लेंथ आर है, बेस की लेंथ कितनी है आर, और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ गई है आर साइन थीटा, ठीक है। ये जो ट्राइंगल बनाया गया है एक बार दोबारा बनाते हैं, ओ ए बी और ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसको अगर हम बेस माने तो बेस की लेंथ कितनी है इसमें आर के बराबर रेडियस, और ये हमने परपेंडिकुलर भी फाइंड किया था ए सी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी आर साइन थीटा। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, हाफ इंटू बेस ए बी ले लो, हाइट को ले लो, कितना आ जाएगा बेस इंटू हाइट, हाँ बेस इंटू हाइट में यहाँ पे जो ए बी इंटू ओ सी लिखा है, ए बी इंटू ओ सी ना लिख के इसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको, इसमें कितना आ जाएगा हाफ इंटू बेस हम कितना लेंगे ओ बी और हाइट कितना लेंगे ए सी, ठीक है, ओ बी इंटू ए सी, और ओ बी की लेंथ कितनी हो जाएगी आर, और ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी आर साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू, एंड एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दोनों ही फॉर्मूले काम आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस, थीटा की वैल्यू कैसी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखिए थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, रेडियस 12 है, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है क्वेश्चन में, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू 120 है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे, थीटा की जगह 120 रख दो, 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12 इंटू 12, थीटा की जगह 120 रखेंगे, 120 अपॉन 2 साइन 60 इंटू कॉस 60, ये 3.14 इंटू 48 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 2 2 4 3 12, ये 12 इंटू 3 इंटू रूट 3 आएगा, रूट 3 की वैल्यू 1.732 होता है, तो 1.73 रख दीजिए इसमें डेसिमल के दो प्लेसेस तक और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 62.28 आ जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई करके 150.72 आ रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, अगर ये मेजर सेगमेंट का पूछेंगे तो टोटल सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, तो इसका जो सेकेंड सेगमेंट होगा उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को? इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 12.2 कर सकते हैं, ये सारे कंसेप्ट लिख लेना आप अपनी कॉपी में और एक्सरसाइज 12.2 आप सॉल्व करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, आई विल सेंड द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।